वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल का मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जिसने एक बार की सांसें रोक दी, एक ऐसा मुकाबला जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। जी हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बारे में, और ये वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला था। एक बार फिर भारत बनाम न्यूजीलैंड आमने सामने थी। इस मुकाबले में पहले तो भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी करी, और जहां लगा कि ये मुकाबला भारत ने एक तरफा कर दिया है, विराट कोहली का शतक और श्रेयस अय्यर का शतक और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी, उसका पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, और बताएंगे कैसे उसके बाद में भारत गेंदबाजी से नतमस्तक हुआ और कैसे केन विलियमसन और डैरिल मिचेल ने शानदार बल्लेबाजी करके भारत के नाक में दम कर दिया, और फिर मोहम्मद शमी जिनका कैच छूटा था, जिन्होंने कैच छोड़ा था केन विलियमसन का, उसको दोष मत रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ही ओवर में पूरा कैंप पलट दिया। कैसे जो न्यूजीलैंड जीत के कगार पर था, मोहम्मद शमी ने उनसे मैच छीन लिया। हम आपको पूरा हाईलाइट उस सेमीफाइनल मुकाबले का रोमांचक बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन, शमी के फैन, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जी हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले की। अब भारत का सामना फाइनल में किससे होगा और क्या कुछ होगा, हम आपको उसका पूरा हाईलाइट बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला रोहित शर्मा का सही रहा क्योंकि भारत ने बहुत शानदार शुरुआत करी। हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पावर प्ले के अंदर 70 से भी ज्यादा रन बनाए, जिस पे कप्तान रोहित शर्मा ने 4 चौके और 4 छक्के और 162 की स्ट्राइक रेट से महज 29 बॉलों पर 47 रन की पारी खेलकर न्यूजीलैंड को पावर प्ले में ही बैकफुट पर धकेल दिया था। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा ने 47 रन की पारी में इम्पैक्ट डाला क्योंकि 162 की स्ट्राइक रेट से रन आए थे। रोहित का बल्ला आग उगल रहा था, लेकिन सामने शुभमन देख रेख कर खेल रहे थे। शुभमन ने क्रीज और छोर संभाल लिया। शुभमन गिल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल के साथ में विराट कोहली जुड़े और इन दोनों ने काफी अच्छी पार्टनरशिप करी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल 79 रन पर खेल रहे थे, लेकिन क्रैम्प्स आने की वजह से वो कहीं ना कहीं उस मुकाबले में रिटायर्ड होते और उनकी जगह पर आते श्रेयस अय्यर। लगा कि टीम इंडिया यहां से बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन किसे पता था श्रेयस कुछ अलग मूड में आ रहे हैं। उन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करी। पहले विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया और उसके साथ में वनडे फॉर्मेट में 50वां शतक लगाकर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करी, 113 बॉल पर 117 रन की पारी, 9 चौके और 2 छक्के लगाए, 103 की स्ट्राइक रेट, ऐसी बल्लेबाजी जिसके नतमस्तक हुई ये पूरी दुनिया। लेकिन उसके साथ श्रेयस अय्यर की पारी को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अगर विराट को किसी ने उनका गेम खेलने के लिए लाइसेंस दिया तो वो श्रेयस अय्यर थे। एक ऐसा चोर जिन्होंने संभाला और विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भी दबाव नहीं आने दिया। उन्होंने भी अपना शतक 70 बॉल पर पूरा किया, 105 रन बनाए, 8 छक्के लगाए और 4 चौके लगाए, और श्रेयस अय्यर ने जो बल्लेबाजी करी उसकी तारीफों में कसीदे पड़े उतने ही कम नजर आते हैं। उसके बाद केएल राहुल ने भी मैच को फिनिशिंग टच दिया और 20 बॉल पर 39 रन की पारी के लिए 2 छक्के और 5 चौके लगाए। कमाल की बल्लेबाजी इन दोनों की तरफ से देखने को मिली। मैच में फिनिश रहा अच्छा, हालांकि श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं, लेकिन भारत 397 रन बनाता है 4 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में, और केएल राहुल का शानदार फिनिश देखने को मिला। अब इतना बड़ा स्कोर, सेमीफाइनल का मंच, तो आप यही कहेंगे टीम इंडिया यहां से जीतने वाली थी, और वैसे जिस तरह की भारतीय गेंदबाजी लाइनअप है उसमें तो न्यूजीलैंड कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड इतनी आसानी से हार मानने वाला कहा था। न्यूजीलैंड ने अलग ही ठान रखी थी, न्यूजीलैंड कुछ अलग ही करने वाला था। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी आई और फिर तहलका मचा दिया। हालांकि भारत को न्यूजीलैंड का पहला विकेट 30 रन पर मिल जाता है। डेविन कॉनवे जिनको आउट करने का काम मोहम्मद शमी करते हैं, हालांकि सिराज और बुमराह आज वो नई गेंद से कमाल नहीं कर पाए, तो शमी को दिया 5वां ओवर और शमी ने पहली गेंद पर डेविन कॉनवे को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और उसके बाद 40 रन पर ही रचिन रविंद्रा को आउट कर दिया मोहम्मद शमी ने, और उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। लगा कि 40 रन पर अब 2 विकेट हो चुके हैं, शमी अपने ऑन द टॉप फ्लोर पर है। कमाल की गेंदबाजी शमी की तरफ से देखने को मिली, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन और डैरिल मिचेल ने सब कुछ बदल दिया। एकदम वक्त बदल दिया, एकदम जज्बात बदल दिए। इन दोनों की तरफ से बहुत बड़ी पार्टनरशिप जो कि 180 रन के आसपास की आई। 180 रन वो कोई
कम गेंदों पर आए थे और वो स्ट्राइक रेट अच्छी थी, वो कमाल की स्ट्राइक रेट थी। मोहम्मद शमी से एक वक्त के लिए केन विलियमसन का कैच छूट गया। डैरिल मिचेल जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ एकमात्र शतक लगाने वाले खिलाड़ी थी, उन्होंने दूसरा शतक भी लगाया। केन विलियमसन छोर संभाल चुके थे, शॉट वो हो चुके थे, भारतीय टीम मिसफील्ड कर रही थी। वो फॉर्मेट T20 का बदल गया, 120 बॉल पर 200 रन की जरूरत, 8 विकेट हाथ में, भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी, कैच छूटे जा रहे थे, यहां से सब कुछ बदलने वाला था। कहीं न कहीं हर जगह पर टेंशन का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि वो मोहम्मद शमी जिन्होंने कैच छोड़ा वो एक बार फिर पूरा मैच पलट देंगे। जी हाँ, जो जसप्रीत बुमराह महंगे साबित हो रहे थे उसके बाद मोहम्मद शमी आए और शमी ने ऐसा स्पेल फेंका कि एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल कर दिए। केन विलियमसन जो 69 रन बनाकर खेल रहे थे, शमी की गेंद पर सूर्या के हाथों कैच आउट करा दिए गए और उसके बाद आए टॉम लैथम को अगली बॉल पर LBW का शिकार बना लिया और एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर रन रेट बढ़ा दिया और नए बल्लेबाजों को टाइम लेना पड़ गया और वहां से एक बार फिर न्यूजीलैंड बैकफुट पर चला गया और कहीं न कहीं शमी ने 4 विकेट यहां चटका लिए थे और चारों विकेट शमी ने ही लिए थे। शमी ऑन द टॉप फ्लोर। 220 रन पर 14 विकेट गंवाने के बाद कहीं न कहीं एक बार फिर अच्छी वापसी देखने को मिली ग्लेन फिलिप्स और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डैरिल मिचेल की। उन्होंने अपना शतक पूरा किया, टीम इंडिया के खिलाफ अच्छा दिख रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ये एकमात्र बल्लेबाज बने जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 2 शतक लगाए हैं, बाकी किसी ने भी 1 शतक नहीं लगाया और ग्लेन फिलिप्स ने 33 बॉल पर 41 रन की पारी खेल डाली। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं एक बार फिर टीम इंडिया दबाव में थी क्योंकि 60 बॉल पर 130 रन की जरूरत जिसे लगभग 12 के रन रेट पर लाकर खड़ा कर दिया और लगा कि यहाँ पर अगर डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जिस तरह से खेल रहे हैं ये टीम के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी वहां जसप्रीत बुमराह की, भले ही उनका स्टार्टिंग स्पेल अच्छा नहीं रहा था लेकिन अब अच्छी वापसी करी और एक कैच आउट कराया, रविंद्र जडेजा से ग्लेन फिलिप्स को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद आए मार्क चैपमैन को भी रास्ता बाहर दिखाया, कुलदीप यादव ने कैच आउट कराया रविंद्र जडेजा के थ्रू, रविंद्र जडेजा ने 2 शानदार बाउंड्री पर कैच पकड़े हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बैकफुट पर चली गई थी, कुलदीप यादव ने वो विकेट चटकाया और इस पर पीछे कहाँ रहने वाले थे मोहम्मद शमी, क्योंकि फिर शमी ने आउट कर दिया डैरिल मिचेल को जो 134 रन की पारी खेलते 119 बॉल पर और शमी टॉप ऑन द फ्लोर, मतलब क्या एक कमाल की गेंदबाजी, 5 विकेट हॉल लेने वाले और वर्ल्ड कप में 50 विकेट सबसे तेज लेने वाले खिलाड़ियों में दुनिया के पहले पायदान पर आ गए हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं वहां पर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया जाता है। मिचेल चैंडलर और टिम साउदी ने जरूर प्रयास किया लेकिन वो इनफ नहीं था और ऐसे में भारत जीत जाता है ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला और भारत पहुंच चुका है फाइनल में, जहां उसका सामना किस टीम से होगा ये डिसाइड होगा 16 नवंबर को खेला जाने वाला साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के उस सेमीफाइनल मुकाबले से। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के जीत से खुश तो वीडियो को कर दीजिएगा दिल से लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, क्या मोहम्मद शमी के वो विकेट, विराट कोहली की वो पारी, श्रेयस अय्यर का वो इम्पैक्ट, रोहित शर्मा की वो इम्पैक्ट या फिर बात करेंगे शुभमन गिल की वो पारी।